खातेगांव क्षेत्र में भले ही कोरोना के चलते स्कूल बंद हो, लेकिन बच्चों को राशन सामग्री दी जा रही है। ग्रामीण अंचल में सरकार की इस पहल की सराहना की जा रही है। आपको बता दें कि हरण गांव में कोरोना महामारी के चलते स्कूल बंद है। छोटे छोटे बच्चे अपने घरों पर हैं। बच्चों का ध्यान रखते हुए प्रदेश सरकार ने बच्चों तक राशन पहुँचाने का काम किया है। विधायक आशीष शर्मा ने हरण गांव के माध्यमिक विद्यालय में गरीब बच्चों को सूखा राशन वितरण किया। विधायक आशीष शर्मा ने हरण गांव के माध्यमिक विद्यालय में गरीब बच्चों को सूखा राशन वितरण किया। विधायक शर्मा ने कहा कि ग्राम पंचायत हरण गांव में बड़ी संख्या में प्रधानमंत्री आवास, शौचालय, नदी पर घाट का निर्माण के कार्य करवाए गए हैं। गांव में सीसी रोड का निर्माण भी कराया गया है। विधायक ने किसानों को खेतों तक पहुंचने के लिए सड़क निर्माण का भूमि पूजन किया है। खातेगांव से सादिक खान की रिपोर्ट। हमारे स्कूल के बच्चों को मध्य प्रदेश सरकार की योजना के माध्यम से राशन का वितरण किया गया। मिडिल स्कूल के बच्चों को 3 किलो तुअर की दाल और 780 ग्राम मीठा तेल दिया गया। गेहूँ चावल का प्रदान भी उनको किया जा रहा है। प्राइमरी स्कूल के बच्चों को 2 किलो तुअर की दाल और 550 ml मीठा तेल प्रदाय किया जा रहा है। वास्तव में स्कूल बंद है और बच्चों को मध्यान्ह भोजन नहीं मिल पा रहा है, वो घर पर रहकर मोहल्ला स्कूलों में अपनी पढ़ाई कर रहे हैं। ऐसे समय में शिवराज जी की सरकार ने एक अनूठी पहल बच्चों तक राशन पहुंचाने की है। इस पहल के लिए मैं माननीय मुख्यमंत्री जी को धन्यवाद देता हूं। हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा चैनल SW24 न्यूज। हमारे सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में लगे बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें।